हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्टॉक को आज मैं एनालाइज करने वाला है। इस स्टॉक का नाम है सीमेंस इंडिया। स्टॉक में गाइस पिछले कई मंथ से हमें लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन जब गाइस दिसंबर में हमें स्टॉक में 4000 रुपीज के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में गाइस हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही। स्टॉक में गाइस 4 मंथ के बीच में हमें गाइस 5400 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले हैं, जो की अगर देखें स्टॉक में आज भी गाइस हमें 5% तक की रैली देखने को मिल रही। स्टॉक के ब्रेकआउट लेवल से लेकर अब तक के टारगेट देखें तो गाइस हमें स्टॉक में 40% के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, वो भी सिर्फ 4 मंथ के बीच। और यहाँ पर देखेंगे इसके वॉल्यूम में भी हमें लगातार इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक में गाइस इसके हाई से अब हमें जो मूव देखने को मिलने वाले है, स्टॉक में 5800 रुपीज से ज्यादा मूव स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें, इसमें गाइस हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा गाइस 4560 रुपीज का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। ऊपर में स्टॉक का जो प्रीवियस हाई था गाइस 4960 रुपीज का लेवल स्टॉक में इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल था, जिसको स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमें गाइस 5400 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में अगर इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो 4000 रुपीज का लेवल था, वहां से लेकर स्टॉक में गाइस 4960 रुपीज के लेवल तक देखे तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे गाइस 24% के करीब टारगेट और देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में गाइस अगर 4960 रुपीज के अब प्राइस रेट की मदद से देखें, हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे 24% के गाइस 6161 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे। अगर स्टॉक में गाइस करंट लेवल से इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है 5100 से लेकर 150 रुपीज के लेवल के बीच में, तो गाइस वहां पर बाय किया जा सकता है। गाइस उसके बाद अगर रिवर्सल आती है तो गाइस हमें स्टॉक में 5800 रुपीज से लेकर 6160 रुपीज के लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के गाइस यहाँ करंट लेवल से लेकर ऊपर में टारगेट देखे तो गाइस अभी जो हमारे पेंडिंग लेवल्स रह चुके हैं 15% के करीब टारगेट अभी हमारे पेंडिंग रह चुके हैं, और स्टॉक में गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 7% के करीब आ रहा है। 4960 रुपीज का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक थोड़ा डीप में आता है तो गाइस वहां पर भी बाय किया जा सकता है, और रिवर्सल ट्रेडिंग से गाइस हमें टारगेट लॉन्ग देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा सा रह जाएगा। तो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस स्टॉक में गाइस छोटा सा ऐसा लगाकर 7% का गाइस स्टॉक में आने वाले दिनों में 5800 रुपीज से लेकर 6100 रुपीज तक के मूव स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी पसंद आएंगे। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।